देखा था, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे एनिमल सेल है एंड सेकंड वाला क्या है, प्लांट सेल है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कुछ एक दूसरे से डिफरेंट भी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या सिमिलरिटीज हो सकती है और क्या डिसिमिलरिटीज हो सकती है। ये मतलब बहुत सी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या ऑर्गेनेल्स हैं जो इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन उनका फंक्शन जो है उनका फंक्शन को भी हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले पहले हम क्या पढ़ लेते हैं कि हमें पता है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को यूज करते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है इसके अंदर हमें क्या किए गए हैं, क्या यूज किया गया है, डिफरेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज किए गए हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन। अब ये क्या होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गन, मल्टी सेलुलर ऑर्गन के अंदर एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। उन डिफरेंट सेल्स के फंक्शन भी हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सब यूनिट है, ये सब यूनिट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये सेल पाए जाते हैं, उनके अपने ही क्या है डिफरेंट फंक्शन है। तो अगर हम पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास था एनिमल सेल तो प्लांट सेल, सिमिलरिटीज में बात करते हैं ये इस चीज का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर भी क्या है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर देखते हैं यहाँ पे ये देखिए इसके साइड पे जो है वो बड़ा सा वैक्यूल होता है, मतलब जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो है वो साइड पे होता है और सिर्फ एक होता है, क्योंकि ये कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर होता है, यहाँ बड़ा इसका साइज होता है और एक भी होता है। और लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एनिमल सेल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और वो हर जगह फैले होते हैं, मतलब सेल के अंदर हर जगह फैले होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं तो छोटे छोटे वैक्यूल्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है बिग या ये कह सकते हैं एक बिग क्वांटिटी का वैक्यूल्स है। उसके बाद अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसकी भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की भी सेल मेम्ब्रेन, मतलब एनिमल सेल की भी सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की भी सेल मेम्ब्रेन है। बस एक डिफरेंस, दो डिफरेंस इसके अंदर या दो कह सकते हैं या तीन चार ये डिफरेंस है कि ये है कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर एडिशनल सेल वॉल होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। उसके बाद अगर देखते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स सॉरी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। मतलब क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है कि आपके पास जो फूड आई है उसको फूड को खुद प्रिपेयर करना। तो एनिमल सेल तो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता लेकिन प्लांट सेल जो है वो अपनी जो है अपना जो मतलब ये कह सकते हैं अपनी फूड को खुद क्या कर सकता है प्रिपेयर कर सकता है। तो ये आपने देखा था यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये आपने कुछ सिमिलरिटीज देखी और डिसिमिलरिटीज देखी। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम पहला फंक्शन लेते हैं, ये पहले डिस्कस करते हैं सेल वॉल को, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल जो है इसका ये कह सकते हैं फर्स्ट वाला जो ऑर्गन है, फर्स्ट जो ऑर्गन है जो प्ले कर रहा है पार्ट को वो क्या है सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट, मतलब ये देखें कहते हैं आपके जो लाइक सपोज आपने कोई चीज पैक करनी है तो आप उसको रैपर में करेंगे। ठीक है, तो वो रैपर किस तरह एक्ट करेगा सेल वॉल की तरह। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट्स को जो है वो प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होता है, एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है सिर्फ सेल वॉल नहीं होता। तो सेल वॉल क्या करता है इसको आउटर प्रोटेक्शन देता है या ये कह सकते हैं किसी भी चीज की आउटर लेयर। अगर हम अपनी स्किन की बात करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या कहलाती है आउटर लेयर कहलाती है। तो इसी तरह जो प्लांट सेल के अंदर है वो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर है, ये कह सकते हैं कि
कवरिंग लेयर है, उस लेयर को हमने किसका नाम दिया है, सेल वॉल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि किसी भी चीज की आउटर मोस्ट है, जो प्लांट्स के अंदर इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि ये सेल वॉल जो है इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, तो कहते हैं ये वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डेफिनेट शेप, मतलब ये कहता है इसकी एक डेफिनेट अपनी शेप होती है। ये कह सकते हैं कि वो प्लांट सेल को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती है, कि उसकी हार्डनेस, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा स्केल्टन है, तो हमारा जो स्केल्टन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें एक शेप प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह कहता है ये इसकी प्रोटेक्शन भी करता है, उसके साथ साथ ये वेल डिफाइंड भी है, शेप भी देता है, डेफिनेट शेप देता है। लेट्स सपोज आप लीफ की तरफ देखते हैं, तो उसकी एक डेफिनेट शेप है, उसके आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। वो क्या कर रही होती है, इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब यहाँ पे उसके बाद सेकंड पॉइंट, पहले तो हमने देख लिया बाकी का जो लेयर है आउटर मोस्ट, उसको हमने सेल वॉल का नाम दिया, इसकी वेल डिफाइंड है, वेल डेफिनेट शेप्स है ये। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटीरियल, मतलब ये कह सकते हैं इसकी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बहुत हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग इस वजह से होती है कि अंदर, मतलब अगर देखें बाहर से अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो अंदर जो आपके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको इफेक्ट नहीं करता। तो कहते हैं इसकी जो शेप है या जो मटीरियल है वो बहुत हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि मौसम की चेंजिंग को या वेदर की जो भी हवा वगैरह या वेदर की जो भी चेंजिंग आ रही है उसको उसको कवर कर सके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट टू दी सेल, और वहां पे जो अंदर जो जितने भी सेल्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब करिए तो हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे इसकी कोई डेफिनेट एक जो है वो शेप नहीं होती, ये कह सकते हैं कि इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी हो सकती है एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको किसका नाम दिया गया है, सेल वॉल का। इसी तरह हम अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले सेल वॉल पढ़ा, आप सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं, कहते हैं सेल मेम्ब्रेन थीन सी पतली सी हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेमी हार्ड भी कह सकते हैं। तो कहते हैं इसका क्या काम होता है, लेट्स सपोज जैसे एनिमल सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे सेल वॉल के बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स के ऊपर। तो कहते हैं इसका काम क्या होता है, कंट्रोल करना, कि कंट्रोल करना कोई भी मटीरियल का प्लांट्स के अंदर आना, प्लांट्स के सेल के अंदर आना और बाहर जाना। लेट्स सपोज जैसे आप यहाँ पे ये स्मॉल होल्स देख सकते हैं, ये होल्स क्या कहलाते हैं, सेव, मतलब एक छलनी की तरह काम करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हम फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है, ये सेव जो है फिल्ट्रेशन की तरह काम करता है। इसका क्या काम होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो इसका ये फंक्शन होता है कि क्या करता है, जो बाहर से चीजें अंदर एंटर होनी हो, या आपकी एक सेल है उस सेल के अंदर ना तो बाहर से, मतलब पैसिव वे काम करता है, कि जो आपके मटीरियल जो है वो, मतलब जैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से जाती है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, तो ये सारा काम किस तरह करता है, एज अ सेव। तो ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है जो मटीरियल जो है सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं और सेल से जो बाहर एंटर हो रहे हैं। तो मतलब ये देखिए, लेट्स सपोज यहाँ से हवा अगर अंदर जा रही है तो सेल्स के जरिए हवा कैसे अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, ये प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे, और हमारे एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं ये सेव की तरह काम करती है, तो एक्ट एज अ फिल्टर, फिल्टर में ये कह सकते हैं कि हम कुछ पार्टिकल्स को जाने देती है और कुछ पार्टिकल्स को नहीं जाने देती, तो
वो डिपेंड करता है कि इसको किस अमाउंट की जरूरत है, ठीक है। जैसे आप सपोज करें कोई भी चीज किसी भी चीज को फिल्टर करना चाहते हैं या उसको कुछ पार्टिकल्स को जाने देते हैं, कुछ पार्टिकल्स को नहीं जाने देते, तो ये स्टॉप करती है, स्टॉप भी करती है और एंटर भी करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इट एक्ट लाइक अ सेव, जो कि एक छतरी की तरह काम करती है, ये हम कह सकते हैं। तो जो क्या करती है, पास करती है या फिर कुछ चीजों को स्टॉप कर देती है, कुछ चीजों को पास होने देती है, कुछ चीजों को स्टॉप कर देती है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कहते हैं सेपरेट करती है सेल को फ्रॉम सराउंडिंग से। मतलब ये देखिए सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर जो सेल है इस सेल को सेपरेट करेगी जो सराउंडिंग होगी उससे और अंदर। मतलब ये कह सकते हैं इनसाइड और आउटसाइड की सेपरेट है, वो किस वजह से, ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि दोनों के अंदर सिमिलरिटीज में हमने ये देखा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ इसके साथ प्लांट के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स की क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर। ये कह सकते हैं कि एनिमल की क्या है, आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन प्लांट्स की ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। प्लांट्स की आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल वॉल जो है वो सेल